नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग आपके 11 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर था आपका डेटा संचार एवं नेटवर्किंग से संबंधित, ठीक है। इसमें बात करेंगे इंटरनेट तथा इसकी सेवाएं देखेंगे। याद रखिए, फिर से आपको याद दिला देता हूँ, 15-16 के करीब हम लोग चैप्टर देखेंगे। उसके बाद हमारे 25 से 30 मॉक टेस्ट होंगे। कितने? 25 से 30 ये चैप्टर और ये मॉक टेस्ट आप कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के लिए याद रखिए, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा कंप्यूटर से संबंधित। फिर चाहे आपका लिखित में आता है या फिर ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चंस, आप सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, इसकी सर्विस। इंटरनेट कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण व दक्ष माध्यम है जिसने काफ़ी लोकप्रियता अर्जित की है। इंटरनेट के माध्यम से लाखों व्यक्ति सूचनाओं, विचारों, ध्वनि, वीडियो क्लिप्स इत्यादि को कंप्यूटर के जरिए पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, या विभिन्न आकारों व प्रकारों के नेटवर्कों से मिलकर बना है इंटरनेट। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का क्या पूरा नाम है? इंटरनेशनल नेटवर्क, जिसे वर्ष 1950 में बेंट फर्क कर्प ने शुरू किया था। तो वनडे एग्जाम में कैसे पूछ लेगा कि इंटरनेट को किसने शुरू किया था? तो ये थे बेंट कर्प। कब? 1950 में, ठीक है। इन्हें इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें आपके लाखों निजी व सार्वजनिक, लोकल से ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। सामान्यतः नेटवर्क दो या फिर दो से अधिक कंप्यूटर्स सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह है। बात करते हैं इंटरनेट के इतिहास के बारे में। इंटरनेट, ये आपका यहाँ भी देख लीजिए, इस तरह से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। TCP/IP द्वारा एक फाइल को कई छोटे भागों में फाइल सर्वर द्वारा बांटा जाता है, जिन्हें आप क्या कहते हैं? पैकेट्स। इंटरनेट पर सभी कंप्यूटर आपस में इसी प्रोटोकॉल द्वारा जुड़े होते हैं या वार्तालाप करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। सन 1969 में लॉस एंजल्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया तथा यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा अर्पानेट की शुरुआत के रूप में जुड़े। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना था। यह दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। मध्य 80 के दशक में एक और संघीय एजेंसी, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, ने एक नया उच्च क्षमता वाला नेटवर्क NSFNet बनाया, जो अर्पानेट से अधिक सक्षम था। NSFNet में केवल यही कमी थी कि यह अपने नेटवर्क पर केवल शैक्षिक अनुसंधान की ही अनुमति देता था, किसी भी प्रकार के निजी व्यापार की अनुमति नहीं। इसी कारण निजी संगठनों तथा लोगों ने अपने खुद के नेटवर्क का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आपका अर्पानेट तथा NSF नेट से जुड़कर इंटरनेट का निर्माण हुआ। बात करते हैं हम इंटरनेट के आखिर लाभ क्या है। इंटरनेट के लाभ निम्नलिखित हैं आपके। दूसरे व्यक्तियों से आसानी से संपर्क बनाने की अनुमति देता है। इसके माध्यम से दुनिया में कहीं भी किसी से भी संपर्क बनाया जा सकता है। इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करने पर पेपर इत्यादि की बचत होती है।
यह कंपनियों के लिए कीमती संसाधन है जिस पर वे व्यापार का विज्ञापन तथा लेन देन भी कर सकते हैं। एक ही जानकारी को कई बार एक्सेस करने के बाद उसे पुनः सर्च करने में कम समय लगता है। बात करते हैं इंटरनेट की हानियाँ क्या क्या हैं। इंटरनेट की हानियाँ निम्नलिखित हैं। कंप्यूटर में वायरस के लिए एक सर्वाधिक उत्तरदायी, इंटरनेट पर भेजे गए संदेशों को आसानी से चुराया जा सकता है। बहुत सी जानकारियाँ जांची नहीं जाती हैं, वह गलत या फिर असंगत भी हो सकती हैं। अनैच्छिक अनुचित डॉक्यूमेंट तथ्य कभी कभी गलत लोगों जैसे आतंकवादी द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। साइबर धोखेबाज क्रेडिट डेबिट कार्ड की समस्त जानकारी को चुराकर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इंटरनेट कनेक्शन। ब्रांड विड्थ व कीमत, इन दोनों घटकों के आधार पर ही कौन से इंटरनेट कनेक्शन को उपयोग में लाना है यह सर्वप्रथम निश्चित किया जाता है। इंटरनेट की गति ब्रांड विड्थ पर निर्भर करती है। इंटरनेट एक्सेस के लिए कुछ इंटरनेट कनेक्शन इस प्रकार हैं आपके। इसमें आपका डायल अप कनेक्शन। डायल अप पूर्व उपस्थित टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है। जब भी उपयोगकर्ता डायल अप कनेक्शन को चलाता है तो पहले मॉडेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का फोन नंबर डायल करता है, जिसे डायल अप कॉल्स को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। व फिर आपका ISP कनेक्शन स्थापित करता है, जिसमें सामान्य रूप से 10 सेकंड लगते हैं। सामान्यतः शब्द ISP उन कंपनियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है। उदाहरण के लिए कुछ आपकी प्रसिद्ध ISP के नाम हैं एयरटेल, MNTL, वोडाफोन। ठीक है, अब तो वोडाफोन और आइडिया का विलय हो गया। अगला है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए सामान्य रूप से होता है। यह इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइन को प्रयोग करता है। ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता को डायल अप कनेक्शन से तीव्र गति पर इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। ब्रॉडबैंड में विभिन्न प्रकार की हाई स्पीड संचार तकनीकें भी सम्मिलित हैं, जो इस प्रकार है आपकी। इसमें आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यह एक लोकप्रिय ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट एक्सेस डिजिटल डेटा को लोकल टेलीफोन नेटवर्क के तारों तांबे के द्वारा संचरित किया जाता है। यह डायल सेवा की तरह है किंतु उससे अधिक तेज गति से कार्य करता है। इसके लिए DSL मॉडेम की आवश्यकता होती है, जिससे टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। फिर आपका केबल मॉडेम। इसके अंतर्गत केबल ऑपरेटर्स को एक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट इत्यादि की सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं। इसकी ट्रांसमिशन स्पीड 1.5 MB/s या फिर इससे भी अधिक हो सकती है। तीसरा है आपके फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक तकनीक विद्युतीय संकेतों के रूप में उपस्थित डेटा को प्रकाशीय रूप में बदल उस प्रकाश को पारदर्शी गिलास फाइबर, जिसका व्यास मनुष्य के बाल के लगभग बराबर होता है, के जरिए प्राप्तकर्ता तक भेजा जाता है। फिर आपका ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। निम्न तथा माध्यम वोल्टेज के इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सर्विसेज को ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन कहते हैं। यह उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां पर पावर लाइन के अलावा कोई और माध्यम उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए आप ग्रामीण क्षेत्र ले सकते हैं। अगला है आपका वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस ब्रॉडबैंड ग्राहक के स्थान और सर्विस प्रोवाइडर के बीच रेडियो लिंक का प्रयोग कर घर या फिर व्यापार इत्यादि को इंटरनेट से जोड़ता है।
वायरलेस जो आपका ब्रॉडबैंड है, स्थिर या फिर चलायमान होता है। इसे केबल या मॉडेम इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। वह इसका प्रयोग हम किसी भी क्षेत्र में जहाँ DSL व केबल इत्यादि नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं। इसमें पहला है आपका वायरलेस फिडेलिटी। यह एक सार्वत्रिक वायरलेस तकनीक है जिसमें रेडियो आवृत्तियों को डेटा ट्रांसफ़र करने में प्रयोग किया जाता है। वाईफाई केबल या तारों के बिना ही उच्च गति से इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। इसका प्रयोग हम रेस्तरां, कॉफ़ी शॉप, होटल, एयरपोर्ट्स, कनेक्शन सेंटर और सिटी पार्कों इत्यादि में कर सकते हैं। फिर है आपका वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वाईमैक्स सिस्टम आवासीय और एंटरप्राइजेज ग्राहकों को इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह वायरलेस मैक्स तकनीक पर आधारित है। वाईमैक्स मुख्यतः बड़ी दूरियों व ज़्यादा उपयोगकर्ताओं के लिए वाईफाई की भांति किंतु उससे भी ज़्यादा गति से इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। वाईफाई मैक्स को वाईमैक्स फॉर्म्स ने बनाया, जिसकी स्थापना जून 2001 में हुई थी। फिर आपका मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस। ब्रॉडबैंड सेवाएं मोबाइल व टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर से भी उपलब्ध है। इस प्रकार की सेवाएं सामान्य रूप से मोबाइल ग्राहकों के लिए उचित हैं। इससे प्राप्त होने वाली स्पीड बहुत कम होती है आपकी। फिर है आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट टेलीफोन तथा टेलीविज़न सेवाओं के लिए आवश्यक लिंक उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ब्रॉडबैंड सेवाओं में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बात करते हैं इंट्रानेट। क्या है इंट्रानेट? ये शब्द आपने कई जगह सुना होगा। इस एक संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह आपका इंट्रानेट कहलाता है। एक संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह क्या कहलाता है? इंट्रानेट। इंट्रानेट डेटा साझा करने की क्षमता तथा संगठन के कर्मचारियों की समग्र ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों या फिर व्यक्तियों के समूह के बीच संचार की सुविधा को आसान करता है। बात करते हैं एक्स्ट्रानेट के बारे में। एक्स्ट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो सुरक्षित रूप से विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों या फिर अन्य व्यवसायों के साथ व्यापार की जानकारी साझा करने के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी तथा सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग करता है। एक्स्ट्रानेट को एक संगठन के इंटरनेट के रूप में भी देखा जा सकता है, जो संगठन के बाहर के उपयोगकर्ताओं के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर आपका इंटरनेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क यह एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है जिसका उपयोग ध्वनि डेटा व कंट्रोल सूचनाओं इत्यादि को एकल टेलीफोन लाइन पर संचरित करने में किया जाता है। इसका प्रयोग बेहद स्तर पर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अगला है आपका इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल नियमों का वह पेज सेट है जो कि डेटा कम्युनिकेशंस की देखरेख करता है। कुछ प्रोटोकॉल इस प्रकार हैं: TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP, एंड टू एंड कनेक्टिविटी जिसमें डेटा का फॉर्मेटिंग, एंडेसिंग संचरण के रूट्स और इसे प्राप्त करने की विधि इत्यादि सम्मिलित है प्रदान करता है। इस प्रोटोकॉल के मुख्य रूप में दो भाग हैं, TCP, दूसरा है IP। इसमें TCP की बात करें हम लोग तो TCP यह संदेश को प्रेषक के पास ही पैकेटों के एक सेट में बदल देता है, जिसे प्राप्तकर्ता के पास पुनः इकट्ठा कर संदेश को वापस हासिल कर लिया जाता है।
इसे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं, आईपी। यह विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क स्थापित करके आपस में संचार करने की अनुमति प्रदान करता है। आईपी नेटवर्क पर पैकेट भेजने का कार्य संभालती है। यह अनेक मानकों के आधार पर पैकेटों के एड्रेस को प्रत्येक आईपी पैकेट में स्रोत तथा गंतव्य का पता होता है। फिर आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के द्वारा इंटरनेट उपयोगकर्ता अपनी कंप्यूटर से फाइलों को विभिन्न वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं या वेबसाइट से अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर के उदाहरण है फाइलजिला, कासाब्लांका, एफटीपी, कॉनक्रोर इत्यादि। ठीक है, कई बार आपका पूछ लेता है एफटी का फुल फॉर्म, तो याद रखना है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, दूसरा है आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीपी। इस बात को सुनिश्चित करता है कि संदेशों को किस प्रकार फॉर्मेट व संचरित किया जाता है व विभिन्न कमांडों के उत्तर में वेब सर्वर तथा ब्राउजर क्या एक्शन लेंगे। एचटीटीपी एक स्टेनलेस प्रोटोकॉल है क्योंकि इसमें प्रत्येक निर्देश स्वतंत्र होकर क्रियान्वित होते हैं। बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। इसका प्रयोग वेब पेजों के डिजाइन बनाने में इस्तेमाल होता है। मार्कअप लैंग्वेज मार्कअप टैग का एक सेट होता है जो वेब ब्राउजर को यह बताता है कि वेब पेज पर शब्दों, इमेजों और इत्यादि को उपयोगकर्ता के लिए किस प्रकार प्रदर्शित करना है। फिर आपका टेलनेट प्रोटोकॉल क्या है। टेलनेट सेशन वैध यूजर नेम तथा पासवर्ड को प्रविष्ट करने पर शुरू हो जाता है। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसमें वर्चुअल कनेक्शन का इस्तेमाल करके द्विदिशीय टेक्स्ट ओरिएंटल कम्युनिकेशन को लोकल एरिया नेटवर्क पर प्रदान करता है। ठीक है, फिर है आपका यूजनेट प्रोटोकॉल। इसके अंतर्गत कोई केंद्रीय सर्वर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है। इस सेवा के तहत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का एक समूह किसी भी विशेष विषय पर अपने विचार, सलाह आदि का आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। याद रखिए, ये सभी आपके प्रोटोकॉल के प्रकार हैं। क्या है? प्रोटोकॉल के प्रकार ही है। ठीक, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, यह एक डायल अकाउंट है जिसमें कंप्यूटर को इंटरनेट पर सीधे जोड़ा जाता है। इस आकार के कनेक्शन में एक मॉडेम की आवश्यकता होती है जिसमें डेटा को 9600 bits से प्रति सेकंड से भेजा जाता है। फिर आपका वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वेब ब्राउजर मोबाइल डिवाइसों में प्रयोग होने वाले वेब ब्राउजर, यह प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर को सेवाएं प्रदान करता है। अगला है आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह आईपी नेटवर्क पर ध्वनि संचार का वितरण करने में प्रयोग होता है, जैसे आपका आईपी कॉल्स। याद रखिए, अगर पूछे तो इंटरनेट कनेक्टिंग प्रोटोकॉल के आप लोग ये उदाहरण लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कहीं लिखित में आता है क्वेश्चन तो लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट से संबंधित आपकी जानकारी। वर्ल्ड वाइड वेब WWW, इसे कई बार पूछ लेता है WWW। वर्ल्ड वाइड वेब विशेष रूप से स्वरूपित डॉक्यूमेंट्स का समर्थन करने वाले इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है। यह 13 मार्च 1989 को पेश किया गया था। डॉक्यूमेंट्स मार्कअप लैंग्वेज HTML में फॉर्मेटेड होता है तथा दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए लिंक, साथ ही ग्राफिक्स, ऑडियो,
वीडियो फाइल का समर्थन भी करते हैं। उपयोगकर्ता फ्रेंडली इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट इत्यादि इसके विशिष्ट फीचर्स हैं। ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और टेक्स्ट। फिर आपका वेब पेज। वेब पेज बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंटों या वेब पेजों का संग्रह है। ये डॉक्यूमेंट्स HTML में लिखे जाते हैं तथा वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और दूसरा है आपका डायनेमिक। स्टैटिक वेब पेज पर हर बार एक्सेस करने पर एक ही सामग्री दिखाते हैं तथा डायनेमिक वेब पेज की सामग्री हर बार बदल सकती है। फिर आपका वेबसाइट क्या है। वेबसाइट या वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है जिसमें सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज आपका होम पेज कहलाता है, उदाहरण के लिए HTTP। याद रखिए आपका ये पूछ लेता है, वन डे एग्जाम का तो फेवरेट क्वेश्चंस है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना होम पेज कहलाता है। फिर आपका वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग आप वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को ढूंढने व निकालने व प्रदर्शित करने में होता है। ये प्रयास दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? टेक्स्ट वेब ब्राउजर। इस वेब ब्राउजर में टेक्स्ट आधारित सूचना को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे आपका लिनक्स। दूसरा है ग्राफिकल वेब ब्राउजर। टेक्स्ट तथा ग्राफिक सूचना दोनों को सपोर्ट करता है, उदाहरण के लिए फायरफॉक्स, क्रोम, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर। फिर है आपका वेब सर्वर। क्या है? वेब सर्वर या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो HTML पेजों या फाइलों की ज़रूरतों को पूरा करता है। वेब क्लाइंट उपयोगकर्ता से संबंधित आगहित प्रोग्राम है। प्रत्येक वेब सर्वर जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं का एक द्वितीय अद्वितीय एड्रेस होता है, जिसे IP एड्रेस कहते हैं। उदाहरण के लिए आप अपाची HTTP सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इत्यादि। फिर है आपका वेब एड्रेस। इंटरनेट पर वेब एड्रेस किसी विशिष्ट पेज वेब पेज की लोकेशन को पहचानता है। वेब एड्रेस को URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं। URL इंटरनेट से जुड़े हो होस्ट कंप्यूटर पर फाइलों के इंटरनेट एड्रेस को दर्शाते हैं। टिम वर्नली ने वर्ष 1991 में पहला URL बनाया जो वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरलिंक्स को प्रदर्शित करने में इस्तेमाल किया गया। ये थी आपकी टिम वर्नली, ठीक है। उदाहरण के लिए आप इस तरह से ले सकते हैं, HTTP प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, www वर्ल्ड वाइड वेब, google.com डोमेन नेम हो गया, सर्विस डायरेक्टरी, index.htm वेब पेज। अब बात करते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेटवर्क संसाधनों का एक समूह है जिसे उपयोगकर्ता के समूह को आवंटित किया जाता है। डोमेन नेम इंटरनेट पर जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने व लोकेट करने के काम आता है। डोमेन नेम सदैव अद्वितीय होता है। इसमें हमेशा डॉट द्वारा अलग किए गए दो या दो से अधिक भाग होते हैं, जैसे आपका google.com, yahoo.com इत्यादि, ठीक है। डोमेन संगठनों तथा देशों के प्रकार द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। डोमेन नेम में अंतिम भाग संगठन या देश के प्रकार को अंकित करता है, उदाहरण के लिए आप इन्फो लिख सकते हैं, सूचना संगठन, .com यानी कि वाणिज्यिक संस्थान के लिए, .gov सरकारी संस्थानों के लिए, .edu शैक्षिक या एजुकेशन संस्थानों के लिए, .mil सैन्य संस्थान के लिए, .net नेटवर्क संसाधन, .org गैर लाभकारी संगठन के लिए, IN आपका भारत के लिए, AN ऑस्ट्रेलिया, FR फ्रांस, NZ न्यूजीलैंड, UK यूनाइटेड किंगडम। सामान्यतः यदि डोमेन
नेम के अंतिम भाग में तीन अक्षर है तो वह संगठन को दर्शाता है, तथा दो अक्षर हैं तो वह देश का देश को दर्शाता है। ठीक है, फिर है आपका डोमेन नेम सिस्टम। यह डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से में अनुवादित करता है। सर्वर्स को पहचानने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग होता है। सर्वर्स को की एड्रेसिंग नंबरों पर भी आधारित होती है, उदाहरण के लिए 204.157.54.9 इत्यादि सभी आईपी एड्रेस हैं। फिर आपका ब्लॉक्स क्या है? ब्लॉक्स या एक वेब पेज या वेबसाइट होती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की राय सलाह या फिर दूसरी साइटों के लिंक नियमित रूप से रिकॉर्ड होते हैं। इसमें किसी भी सामान्य ब्लॉग में टेक्स्ट, इमेजेज या अन्य ब्लॉगों, वेब पेजों या किसी अन्य टॉपिक से संबंधित मीडिया के लिंक होते हैं। इनमें मुख्य रूप से टेक्स्चुअल, कलात्मक चित्र, फोटोग्राफ, वीडियो, संगीत इत्यादि सम्मिलित होते हैं। फिर आपका न्यूज ग्रुप्स, यह एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप होता है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम तथा चैट सेशंस के द्वारा बातचीत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह न्यूज ग्रुप्स विषयों को उनके पदक्रम में संगठित करने के काम में आता है, जिसमें न्यूज ग्रुप का पहला अक्षर प्रमुख विषय की श्रेणी को व उप श्रेणियों उप विषय द्वारा दर्शाई जाती है। फिर आपका सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन इंटरनेट पर किसी भी विषय के बारे में संबंधित जानकारियों के लिए प्रयोग होता है। यह एक प्रकार की वेबसाइट है जिसके सर्च बार में किसी भी टॉपिक को लिखते हैं, जिसके बाद उससे संबंधित सभी जानकारियां प्रदर्शित हो जाती हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं आपके, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ये आपके सर्च इंजन हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट सेवाएं आखिर क्या क्या हैं, इंटरनेट में आप लोगों को सेवाएं क्या क्या मिलती हैं। इंटरनेट से उपयोगकर्ता कई प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकता है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया, मल्टीमीडिया डिस्प्ले, शॉपिंग, रियल टाइम ब्रॉडकास्टिंग इत्यादि। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं इस प्रकार हैं। चैटिंग, यह बेहद स्तर पर भी उपयोग होने वाली टेक्स्ट आधारित संचारण है जिससे इंटरनेट पर आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता चित्र, वीडियो, ऑडियो इत्यादि भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। उदाहरण के लिए आप स्क्राइब, याहू मैसेंजर भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रयाग का ईमेल, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता किसी भी अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संदेश भेज सकता है तथा प्राप्त भी कर सकता है। ईमेल को भेजने के लिए किसी भी उपयोगकर्ता का ईमेल एड्रेस होना बहुत आवश्यक है, जो कि विश्वभर में उस ईमेल सर्विस पर अद्वितीय होता है। ईमेल में SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत वेब सर्वर पर कुछ मेमोरी स्थान प्रदान कर दिया जाता है जिसमें सभी प्रकार के मेल संग्रहित होते हैं। ईमेल सेवा का उपयोग उपयोगकर्ता विश्वभर में कहीं से भी कभी भी कर सकता है। उपयोगकर्ता ईमेल वेबसाइट पर उपयोगकर्ता नेम, जो कि सामान्यतः उसका ईमेल एड्रेस होता है, व पासवर्ड की सहायता से लॉग इन कर सकता है और अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है। ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं आपके, जो एक पिटी @ द्वारा अलग होता है। पहला भाग यूजर नेम और दूसरा भाग आपका डोमेन नेम होता है। उदाहरण के लिए आप अरिहंत बुक को लिख सकते हैं, books@gmail.com। यहाँ पर आपका अरिहंत बुक्स यूजर नेम हो गया और gmail.com आपका डोमेन हो गया। ठीक है, याद रखिए, पूछ लेता है कई बार, तो इसमें gmail.com आपका डोमेन है और आपका यूजर नेम है अरिहंत बुक्स। ठीक है, फिर आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी अन्य व्यक्ति
या समूह के साथ दूर होते हुए भी आमने सामने रहकर वार्तालाप कर सकते हैं। इस कम्युनिकेशन में उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। वॉइस के साथ एक कैमरा, एक माइक्रोफोन, एक वीडियो स्कैनिंग तथा एक साउंड सिस्टम की भी ज़रूरत होती है। आप सुनते रहते हो कि हमारे प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, तो इसी तरह से आपकी होती है। ठीक है, फिर है आपका ई लर्निंग। क्या है ई लर्निंग? ई लर्निंग की बात करें तो इसके अंतर्गत कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा इत्यादि सम्मिलित हैं, जिसमें उपयोगकर्ता को किसी विषय पर आधारित जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान किया जाता है। इस जानकारी को वह किसी भी आउटपुट माध्यम पर देखकर स्वयं को प्रशिक्षित कर सकता है। यह कंप्यूटर या इंटरनेट से ज्ञान को प्राप्त करने का एक माध्यम भी है। फिर आपका ई बैंकिंग। क्या है ई बैंकिंग? ई बैंकिंग के बारे में बात करें तो इसके माध्यम से उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं से भी अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है। यह एक स्वचालित प्रणाली का अच्छा उदाहरण है, जिसमें उपयोगकर्ता की गतिविधियों, पूंजी निकालने, ट्रांसफर करने, मोबाइल रिचार्ज करने इत्यादि के साथ उसका बैंक अकाउंट भी मैनेज होता है। ई बैंकिंग से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पीसी, मोबाइल आदि इत्यादि पर इंटरनेट की सहायता की जा सकती है। इसके मुख्य व्यवहारिक उदाहरण हैं बिल पेमेंट सेवा, फंड ट्रांसफर, रेलवे रिजर्वेशन, शॉपिंग इत्यादि। ठीक है, फिर आपका ई शॉपिंग। क्या है ई शॉपिंग? इसे ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं आप लोग, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कोई भी सामान जैसे किताब हो गए, कपड़े, घरेलू सामान, खिलौने, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा हेल्थ इंश्योरेंस इत्यादि को खरीद भी सकता है। इसके खरीदने पर गए सामान को आप लोग कीमत को चुकाने के लिए कैश ऑन डिलीवरी या फिर ई बैंकिंग कंप्यूटर पर ही वेबसाइट से भुगतान का प्रयोग करते हैं, या भी विश्व भर में कहीं से भी की जा सकती है। फिर आपका ई रिजर्वेशन, या किसी भी वेबसाइट पर किसी भी वस्तु या सेवा के लिए स्वयं को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित करने के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे आपका रेलवे रिजर्वेशन में एयरवेज टिकट बुकिंग में, होटल रूम्स की बुकिंग इत्यादि में। इसकी सहायता से उपयोगकर्ता को टिकट काउंटर पर खड़े रहकर प्रतीक्षा नहीं करनी होती है। इससे इंटरनेट के माध्यम से किसी भी जगह से आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट के माध्यम से बना हुआ सोशल नेटवर्क कुछ विशेष व्यक्ति या अन्य असंबंधित व्यक्तियों का समूह होता है। इसके माध्यम से उस सोशल नेटवर्क के अंतर्गत आने वाले कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क साध सकता है, चाहे वे दोनों कहीं भी हों। सोशल नेटवर्किंग सोशल साइट पर की जा सकती है तथा कम्युनिकेशन टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो इत्यादि के रूप में भी स्थापित हो सकता है। कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स इस प्रकार हैं आपके, फेसबुक हो गया, माई स्पेस हो गया, व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, फिर आपका ई कॉमर्स। इसके अंतर्गत सामानों का लेन देन, व्यापारिक संबंधों को बनाए रखना, व्यापारिक जानकारियों को शेयर करना इत्यादि आता है, जिसमें धन राशि का लेन देन इत्यादि इत्यादि भी सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह इंटरनेट से संबंधित व्यापार। फिर आपका एम कॉमर्स, यह किसी भी वस्तु या सामान इत्यादि को वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से खरीदने तथा बेचने के लिए प्रयोग होता है। इसमें वायरलेस उपकरणों जैसे मोबाइल एंड टैबलेट इत्यादि का प्रयोग होता है। संक्षेप में जो कार्य ई कॉमर्स के अंतर्गत होते हैं वही सब कार्य मोबाइल इत्यादि पर करने को एक एम कॉमर्स कहते हैं। ठीक, ये आपके कुछ पॉइंट दिए गए, इन्हें भी जान लेना। गूगलिंग, गूगल सर्च इंजन पर किसी तत्व को सर्च करना गूगलिंग कहलाती है। पी ओ पी थ्री, यह ईमेल को निकालने के लिए प्रयोग होने वाला
प्रोटोकॉल है। माउस पोटेटो, वह व्यक्ति जो अपना ज़्यादातर समय कंप्यूटर पर ही बिताता है उसे माउस पोटेटो कहते हैं। इन्हें कॉम हेड के नाम से भी जाना जाता है। PHP, यह एक कोडिंग भाषा है जो इंटरनेशनल वेब पेजों को बनाने के काम आती है। इसका नाम हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर है। फिर आपका कुकी, कुकी एक छोटा संदेश है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउजर को दिया जाता है। ब्राउजर संदेश को टेक्स्ट फाइल में संग्रहित करता है। इच्छा के विरुद्ध प्राप्त हुए ईमेल को आप लोग जंक ईमेल कहते हैं। इच्छा के विरुद्ध, हमारी इच्छा नहीं है फिर भी हमें प्राप्त होते हैं जो मेल, उन्हें हम लोग जंक मेल कहते हैं। तो चलिए, ये था आपका 12वां चैप्टर। क्या था 12वां चैप्टर? था आपका इंटरनेट तथा इसकी सेवाएं। 13वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है।